जिंदगी का सर्वस्व लुटाकर जीता है किसान, कितनी मेहनत है किसान की। कोई पूछे, आज का व्यक्ति धूप में खड़ा रहना पसंद नहीं करता, किसान उस धूप में खड़ा रहकर मेहनत कर बीज बोता है, निकालता है। कहीं पाला पड़ गया, पानी गिर गया, बारिश हो गई, हवा चल गई, उसकी फसल चली गई। अंदर से किससे कहे वो, किसको जाकर रोए वो, किससे? नौकरी करने वाले को लगता है किसान सुखी है, अपने को तो रोज 8 बजे से दुकान पर जाना पड़ता है। नौकरी करने वाले को सोचना पड़ता है अपने को 10 बजे ड्यूटी पे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, उससे अच्छा तो किसान एक बार बीज बोया, पानी डालने चले गया और गया। और किसान सोचे कि नौकरी वाला सुखी है, और नौकरी वाला और किसान दोनों मिलकर सोचे कि दुकान वाला सुखी है, तो उन्होंने दुकान डाल के देखी नहीं, एक ही बार में जो घाटा पड़िया दादा ने सब बेच मारा, कौन सुखी? गरीब सोचे अमीर सुखी, अमीर सोचे राजा सुखी, राजा सोचे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सोचे इंद्र सुखी, इंद्र सोचे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कितना सुखी, उसका चार चार मुंडा है, कहीं से भी बोल दे, वेद मंत्र वाणी लिख दे, पढ़ दे, सबका भविष्य लिख दे, ब्रह्मा सुखी। तो ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी? ब्रह्मा जी बोले मैं काय का सुखी, सुखी तो भगवान विष्णु आराम से शेषनाग की सैया पर पड़े रहते, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। तो पूछा नारायण आप सुखी? नारायण के मैं काय का सुखी, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया यहां एक सुखी है जो भगवान के भजन में लगा है, उसके सिवाय कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। और सुख ढूंढना भी मती, जब यह शरीर हमको सुख नहीं दे सकता तो दुनिया का कौन व्यक्ति सुख देगा? यह शरीर हमको सुख नहीं दे रहा, जो अपना है खुद का है, ये शरीर तो अपना है ना, ये सुख कितना दे रहा? थोड़े कई कभी कभी आंख में तकलीफ हो जाए, कभी कानों में तकलीफ हो जाए, कभी मुंडा का इनंग से दुख है, कभी इनंग से दुख है, कभी यहाँ दीवान पर छाला हुई जाए, कहीं कोहनी दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, रात्रि के नींद नहीं आए तो आंख झपीर झपीर हो जाए। सोचो जरा, अपन के ये सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, जब शरीर अपना होकर अपने को सुख नहीं दे रहा, तो मेरी बेटमा की जी जियो, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको कौन सा सुख दे देगा? ये शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा, कभी पांव दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी मुंडा दुखे, कभी गला दुखे, कई बार इतना गला दुखे कि मुंडा में नमक का पानी डाल डाल गर गर करके थूकना पड़े। काय का शरीर? शरीर सुख नहीं दे तो फिर दूसरा काय का सुख देगा? हमें लगता है सुख आ रहा है, हमें लगता है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा, पर सुख आता जरूर है, धीरे धीरे आएगा, आकर जाएगा भी आपके पुण्य के अनुसार। हमें लग रहा है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा। जैसे तुम यहां खड़ी हो जाओ, ये चौराहे पे यहीं बहुत सारा पुलिस वाला हम खड़े हैं, नहीं इनंग खड़ी हो जाओ, और इतने में दूर से तुम्हें दिख जाए बस आ रही, बस आ रही, और देपालपुर की बस आई, आ रही आ रही आ रही आ रही, और जो तुम भगी बस की ओर जाने के लिए कि मारा देपालपुर की आई, और जो बस की भगी, तो इतने में बस वाले ने कहा देपालपुर नहीं जा रही है, तो खजूरिया 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 चिल्लाई दिया, लज्जा। अब बताओ इतने में फिर दूसरी बस आई, नहीं तुमने सोचा देपालपुर की आई, वो फिर देपालपुर की बस आई, नहीं इतने में फिर चिल्ला दिया धार 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 धार, अब भग के गई थी कि देपालपुर की आई, मालूम पड़े धार की आ गई, फिर आई तो खजूरिया के, इतने में फिर बस दिखी धूल उड़ाती उड़ाती, आई नहीं आई, आई 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 नहीं आई, इतने में उन्होंने कहा कि बस कहाँ जा रही, कि देपालपुर नहीं 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 ये तो इंदौर जा रही है, फिर सामने से फिर बस दिखी। ऐसे ही हमें सुख नजर आता है, अभी थोड़े दिन बाद मेरे दुकान में तब फायदा होगा, मैं एक फ्रिज ले लूंगा, इतने में बस तो कहीं और की निकल गई, फिर सोचा बस अब हमारा सुख का दिन आने वाला है, मारी देपालपुर की बस आने वाली, इतनी देर मालूम पड़ा कि धार की निकल गई, और अपन खड़े की खड़े ही रहे, फिर आई बाद में बस आई देपालपुर की भी आई, और जो बस आई तो इतने में बस वाले ने कह दिया जगह ही नहीं दादा, जगह। अब कई करें तो ये फोन लगा रही,
ठीक है, वही देपालपुर वाला उनके, ए भैरू वो थोड़ा दाईजी है कही? वो भाई कही हो गया? कही नहीं, मैं यही खड़ी बैठमा में और बस सब भरी निकली ने जगाड़नी है, तो कहा चिंता मत करो पिताजी आ रहे हैं, वाइट कलर की टवेरा लेके निकल गए। और वाइट कलर की टवेरा मतलब नंदी लेकर मेरा महादेव निकल गया है, वो लेकर आएगा। वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर नहीं आए, क्योंकि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तो यमराज के पास है, वो वाइट कलर की टवेरा है उसने। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा